तो लेंस की डेफिनेशन हमने बनाई हुई है, ए मीडियम विच इज कवर्ड फ्रॉम टू साइड्स, एट लीस्ट वन साइड शुड बी कर्व्ड, देन इट इज ए लेंस. लेंस देयर आर टू फैमिलीज, वन इज कन्वर्जिंग फैमिली दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज थिक एट द सेंटर और बल्ज्ड. ये साइड व्यू देखेंगे तो ये बीच में ऐसा बल्जिंग रहेगी और आसपास किनारे में दबा रहेगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. ओके, ये कन्वर्जिंग होगा. कन्वर्जिंग का मतलब कि जब हम इस लेंस को ऐसे लगाएंगे और इस पर पैरेलल रेज को भेजेंगे तो ये पैरेलल रेज को ऐसे एक तरफ, ये जो एक्शन है दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग, एक पॉइंट की तरफ भेजना. यहां जाके रुकती नहीं है, दिस विल गो लाइक दिस एंड दिस विल गो लाइक दिस, दिस गोज लाइक दिस, बट दिस एक्शन सेंडिंग देम टूवर्ड्स वन पॉइंट, दिस इज कन्वर्जिंग. तो ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? दीज आर बल्ज्ड एट द सेंटर. ओके, दूसरी फैमिली जो होती है, द सेकेंड फैमिली इज कॉनकेव फैमिली. ऑप्टिकली दे आर नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग फिजिकली प्रेस्ड एट सेंटर, प्रेस्ड एट सेंटर एंड थिक ऑन द सर्कमफ्रेंस, और इसकी शेप ये प्रेस्ड एट द सेंटर थिक. ये इसका साइड व्यू है, ये इसका साइड व्यू है. ओके, ये डाइवर्जिंग होते हैं. डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी है, इफ यू हैव द पैरेलल रेज हियर देन दिस विल गो लाइक दिस एंड दिस विल गो लाइक दिस. सो ये वाली विड्थ देखिए, दिस विड्थ गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिस इज डाइवर्ज. सो दिस इज ए डाइवर्जिंग लेंस. देयर मे बी ए वैरायटी इन द शेप्स विद द सेम प्रॉपर्टीज. कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंसेज, इसकी थोड़ी सी शेप्स और भी हो सकती है. कौन सी शेप्स और हो सकती है? ये ऐसी शेप, और दूसरी शेप देखिए, ये वाली जो शेप है ये दोनों तरफ सेंटर से दोनों तरफ बल्ज है, दिस इज नोन एज डबल कॉन्वेक्स. ये एक प्लेन है, सो दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है, सो दिस इज नोन एज कॉन्केवो कॉन्वेक्स. जिसको याद रखने के लिए समझिए कि तीनों का सरनेम कॉन्वेक्स है, जो बाद में लिखा गया, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ठीक है. तीनों का नेचर कॉन्वेक्स है, तीनों कॉन्वेक्स फैमिली को बिलोंग करते, और इसके कारण इसके सामने प्लेनो और इसके सामने कॉन्केवो डबल कॉन्वेक्स. तीनों का कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, यानी तीनों क्या करेंगे? कन्वर्ज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. वैसे ही अब हम इसको लेते हैं, दिस इज डबल कॉन्केव,
प्लेनो कॉनकेव, ये एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कॉनकेव है। दूसरा देखिए, ये कॉन्वेक्स है और यहां से यहां पर देखिए ये डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए ये प्रेस्ड एट द सेंटर है, इसलिए ये कॉनकेव फैमिली का है। लेकिन ये वाला पोर्शन कॉन्वेक्स है, ये वाला पोर्शन कॉनकेव है, तो इसका नाम क्या हुआ? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। फिर से तीनों के सरनेम देखिए, तीनों का फैमिली नेम देखिए, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। प्लेन होने से ये, डबल होने से ये, और तीनों में निशानी क्या है? तीनों सेंटर में पतले हैं, सेंटर में पतला है, सेंटर में पतला है, ये सेंटर में पतला। ओके, सो दिस इज कॉनकेव। तीनों हमको एक ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज तीनों करेंगे, ठीक है, कम करें ज्यादा करें। सो दिस इज कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस फैमिली, दिस इज डाइवर्जिंग एंड कॉनकेव लेंस फैमिली। नाउ वी कम टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बाय लेंस। रिफ्रैक्शन बाय लेंस एक बार आप क्लास 10th में कर चुके हैं, सो वी विल नॉट गो इन वेरी मच डिटेल, वी विल सिंपली ड्रॉ उसके पहले हम लेते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन लेंसेस, नहीं, और उसके पहले एक चीज और लेते हैं, दैट इज फोकस, फोकस ऑफ ए लेंस। एक लेंस में दो सरफेस होती हैं और एक लेंस में दो फोकस होते हैं। अब ये दो फोकस कहां कहां होते हैं देखिए, द लेंस हैज गॉट टू सरफेसेस, लेट अस से वी टेक ए वेरी सिंपल लेंस विच इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसका कर्वेचर, इसका सेंटर यहां कहीं होगा और ये कर्वेचर, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, एंड वी ज्वाइन बोथ द सेंटर्स एंड दिस विल बिकम ए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसकी लाइन, ये यहां पर एक जगह पे इंटरसेक्ट होती है, यहां पर हमको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी है दैट इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट देन इट विल नॉट डेविएट। देखिए ये ऐसे, अब यहां से निकलेगी किधर, इधर या उधर, तो आंसर है ये जो इसका ओरिजिनल रास्ता है ये इसी पर ही निकलेगी। फिर से इधर से एक रे आती है और ये भी सीधी चली जाती है, ये रे आती है ये भी सीधी चली जाती है। सो इनसाइड द लेंस देयर इज वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट गोज आउट विदाउट डेविएशन, ठीक है। दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और इसकी प्रॉपर्टी, देयर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द लेंस यहां से जो आ रही है ये अपने रास्ते पे जाएगी, सो दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से जितनी भी रेज लेंस पर जाएंगी, दिस दिस दिस, कोई भी, ऑल दीज रेज
after refraction will become parallel. Okay, so I will clear it. Let me make another one. All these rays get refracted, और refraction होने के बाद ये सब parallel हो जाती है. ये पॉइंट हो अगर हम आगे करेंगे तो ये पैरेलल नहीं होगी, पीछे करेंगे तो भी पैरेलल नहीं होगी. देयर इज ओनली वन सिचुएशन कि यहां पर सोर्स रखेंगे तभी ये लाइट कैसी होगी, पैरेलल. तो ये जो लोकेशन है, दिस लोकेशन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस नंबर वन. ओके, तो प्रिंसिपल फोकस नंबर वन, फोकस वन, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट rays coming from its direction this is principal focus number 1 aur ye kis lens ke liye hai convex lens ke liye kya concave lens mein bhi aisa hota hai to answer hai yes hota hai hamari condition kya hai refraction hone ke baad parallel ho jana chahiye तो देखिए ये हमने एक कॉनकेव लेंस है, रिफ्रैक्शन के बाद इसमें रेज पैरेलल हो गए. ओके, क्या अब आप सोच सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के पहले ये कैसी थी, इधर से कैसी आ रही होंगी? कैन एनीबडी टेल? नहीं. देखिए ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम क्या देखते हैं कि इसके इधर वाली जो रेज हैं वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए सिंगल पॉइंट होती हैं. अभी क्लियर हो जाएगा आपको. ऑल दीज रेज, ये वाली रे, ये सब एक पर्टिकुलर पॉइंट के डायरेक्शन में जा रही थी. उसके बाद लेंस ने रिफ्रैक्ट किया तो ये क्या हो गई, पैरेलल. बाद में क्या हो गई, पैरेलल. तो ये किसी एक पॉइंट को निशाना लगा के जा रही थी, ये वाले पॉइंट को. ओके, तो ये जो पॉइंट है जिसको ये सब पॉइंट आउट कर रही थी, जिसकी डायरेक्शन में ये सब जा रही थी, दिस विल बी प्रिंसिपल फोकस नंबर वन. फॉर कॉनकेव, तो देखो कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस नंबर वन लेफ्ट में है, इसका प्रिंसिपल फोकस नंबर वन राइट में. दोनों में कॉमन क्या चीज है? दोनों में कॉमन ये है कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल. यहां पर पहले जो पॉइंट है वहां से जाके पैरेलल हुई, और यहां पर जिस पॉइंट को डायरेक्ट कर रही है उसके डायरेक्शन में अगर है तो पैरेलल हो जाएंगी, अगर उसकी डायरेक्शन में नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी. अगर ये ऐसे है तो फिर पैरेलल नहीं होगी. समझ आया? तो ये प्रिंसिपल फोकस. अब अगर दोनों को हम कंबाइन लिखना चाहते हैं, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज कमिंग फ्रॉम इट्स डायरेक्शन और पॉइंटेड टू इट्स डायरेक्शन विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन,
तो यहां हमको और क्या लगा देना चाहिए, कमिंग फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंटेड टू इट्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन की बजाय पॉइंटेड टू इट्स डायरेक्शन। ये किसके लिए आएगा, कॉनकेव के लिए, और ये किसके लिए आएगा, कॉन्वेक्स के लिए। दिस इज प्रिंसिपल फोकस नंबर वन। और इसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, ओके, ये इसका फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस नंबर टू, ये क्या होता है देखिए, अभी इनकमिंग रेज कैसी हैं, पैरेलल, ऑल द पैरेलल रेज इनकमिंग टू इंसिडेंट अपॉन ए लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल कन्वर्ज टू ए सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस नंबर टू। ओके, फिर से इसमें क्या था, पैरेलल लाइन इंसिडेंट ऑन द लेंस, पैरेलल लाइन इंसिडेंट ऑन द लेंस, ये दोनों कंडीशन एक है। इसमें क्या होगा, दे विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट, इसमें क्या होगा, दे विल डाइवर्ज एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज प्रिंसिपल फोकस नंबर टू। This is principal focus number 2 of the concave lens. ठीक, तो ये भी एक focus है, और इनका जो distance है, this is again a focal length. This is focal length. So principal focus number 2. This is a point on the principal axis. Okay, they converge at this point or appear to come from this point. तो पहला जो portion है, after refraction converge, ये इसके लिए, और जो दूसरा portion है, appear to come from this point, ये इसके लिए है। All these appear to come from this point. तो एक ही definition में दोनों cover हो गए। तो प्रिंसिपल फोकस नंबर टू इसका इस तरफ होता है और इसका इस तरफ होता है, प्रिंसिपल फोकस नंबर वन इधर और उसका इधर। फिर से प्रिंसिपल फोकस नंबर वन की डेफिनेशन में क्या कंडीशन थी, द इनकमिंग इंसिडेंट रेज शुड बी पैरेलल। प्रिंसिपल फोकस नंबर नहीं सॉरी प्रिंसिपल फोकस नंबर वन में क्या कंडीशन थी, द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन शुड बिकम पैरेलल। और प्रिंसिपल फोकस नंबर टू में क्या कंडीशन है, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो टू दैट पॉइंट। ये तो हर लेंस में दो फोकस होते हैं और दोनों का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। अब ये हम डाउट कर सकते हैं कि अगर दो फोकस हैं, दो फोकल लेंथ हैं, तो क्या दोनों फोकल लेंथ डिफरेंट होती है या एक ही होती है, क्योंकि लेंस तो डबल कॉन्वेक्स भी हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो क्या दोनों फोकल लेंथ अलग अलग हो सकती हैं? आंसर है नो, दोनों फोकल लेंथ कभी अलग अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, फोकल लेंथ F in case of one, F in case of two, both are equal. इसीलिए दोनों के लिए हम एक ही नोटेशन क्या यूज करेंगे, F, focal length.
बट दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा ये वाली फोकल लेंथ इस तरफ है और पहले वाले केस में प्रिंसिपल फोकस नंबर वन इस तरफ था, ये ऐसे। तो ये वाली फोकल लेंथ को इसका साइन कैसा है, नेगेटिव इंसिडेंट रे के उल्टी तरफ। इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव इंसिडेंट रे के इस तरफ। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? तो आंसर है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। उसका डिसीजन हम लोग यहां से नहीं करते, लेंस मेकर फॉर्मूला से करते। लेंस मेकर फॉर्मूला में जब हम आर वन आर टू की वैल्यू रखते हैं, म्यू की वैल्यू रखते हैं, तो हम देखते हैं कि एफ पॉजिटिव आता है और कॉन्वेक्स में नेगेटिव आता है, ठीक है। इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। थोड़ा सा करके देखते हैं, ये इज इक्वल टू राइट, ये इसकी वैल्यू किसकी, आर वन की। तो आर वन की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, आर वन इस तरफ, तो ये हुआ प्लस। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर है सरफेस टू का, लेकिन इस तरफ है तो ये क्या होगा, माइनस आर। तो इसकी जब हम आर टू की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, माइनस आर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस प्लस दोनों मिला के क्या बना, प्लस प्लस, और म्यू माइनस वन इज ऑलवेज प्लस। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये टोटल कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो एफ कैसा हुआ, पॉजिटिव, इसलिए कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब क्या हम प्रूफ कर सकते हैं कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, देखते हैं। ये कॉनकेव, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, दिस इज सरफेस नंबर वन एंड दिस इज सरफेस नंबर टू, तो इसका रेडियस आर वन, इसका आर टू। फॉर्मूला में तो हमने नोट किया वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। एंड लेट अस पुट द वैल्यू, आर वन और आर टू कितना डिस्टेंस है, आर, ये भी आर वो भी आर। शुरू करते हैं, तो म्यू इज ऑलवेज मोर देन वन, तो ये तो पक्का है कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। अब यहां आइए, आर वन, आर वन इस तरफ है, अगर इस तरफ है तो इसकी वैल्यू का साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, वन अपॉन माइनस आर। आर टू किस तरफ है, ये आर टू का साइड है और इसकी लेंथ कितनी है, आर, आर। तो R2 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो R के साथ कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। माइनस माइनस कॉमन निकला, वो कॉमन सामने आ गया, माइनस म्यू माइनस वन, और यहां पर क्या आया अंदर, वन अपॉन R प्लस वन अपॉन R। नाउ दिस वन अपॉन R प्लस वन अपॉन R इज पॉजिटिव, म्यू माइनस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, नेगेटिव। सो वन अपॉन एफ इज नेगेटिव ऑलवेज, सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव। सो दिस वे अब हमको याद हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कौन सा साइन कैरी करेगी, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव। Is it okay? तो ये एक अलग चीज है,
देयर आर टू फोकस. इसमें भी हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट यू टेक फोकस फ्रॉम एनी साइड द लेंथ विल बी सेम, राइट? ओके, अगर करके देखेंगे उसको भी हमने यही करना है, तब भी हमको मिलेगा कि फोकल लेंथ सेम होती है. इसी की एक एक्सरसाइज और है, देखिए. ये प्लेनो कॉनकेव लेंस. ओके, ऐसा करते हैं, वी विल मेक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ये तीनों कहां पर मिलेंगे? फोकस पे. ये तीनों कहां मिलेंगे? फोकस पे. ये जो दोनों फोकल लेंथ हैं, अगर ये प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट है और ये वाली कर्व सरफेस पर इंसिडेंट है, तो दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे या अलग अलग जगह पर मिलेंगे, ये हमको बताना है. यानी दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी या अलग होगी. तो देखिए, वही चीज हम फिर से लगाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला. यहां पर ये सरफेस का रेडियस आर वन, ये सरफेस का रेडियस आर टू. ओके, यहां पर ये आर वन और ये आर टू. फॉर्मूला लिखते हैं, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. अब उसकी वैल्यूज रखते हुए ही इसको बना देते हैं. वन अपॉन आर वन, ये आर वन का फोकल लेंथ कितना है? तो आंसर है कि प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है. ये देखो, इसकी फोकल लेंथ कहां है? यहां पर. सीधा किया ऐसा, और सीधा किया ऐसा, और एकदम सीधा कर दिया तो इंफिनिटी. तो इंफिनिटी सरफेस की फोकल लेंथ कितनी लेनी? सॉरी, प्लेन की सरफेस की फोकल लेंथ इंफिनिटी, ये पक्का याद रखिएगा. तो वन अपॉन प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेना है? इंफिनिटी, फोकल लेंथ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए प्लेन सरफेस इज इंफिनिटी, क्योंकि इसके सारे रेडियस कहां जाकर मिलेंगे? इंफिनिटी पे. और जहां हमने ऐसा किया, ये सब रेडियस यहां बीच में कहीं मिलेंगे, दैट विल बी दी रेडियस लेंथ. ओके, सो वन अपॉन इंफिनिटी, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. ये आर टू, आर टू इस तरफ है और इसका रेडियस है कितना? आर. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? माइनस आर. माइनस क्यों? बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. ये सेकेंड सरफेस के लिए हो गया ये. अब प्लस, ये आ गया वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर. देयरफोर एफ इज इक्वल टू आर अपॉन म्यू माइनस वन. ये इसके लिए हो गया. अब इसके लिए शुरू करते हैं. देखिए, वन अपॉन एफ टू. ओके, वन, वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन. अभी ये सरफेस नंबर वन है, इसका रेडियस कितना है? आर. तो प्लस आर की माइनस आर इस तरफ है, तो प्लस आर. सो दिस इज वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर टू. इसका आर टू इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी. तो ये कितना हो गया? वन अपॉन इंफिनिटी इज जीरो. आर को यहां ले आइए, फिर दोनों को उल्टा करिए, तो एफ टू इज इक्वल टू आर अपॉन म्यू माइनस वन, आर अपॉन म्यू माइनस वन. नाउ यू सी एफ वन एंड एफ टू बोथ आर सेम. दैट मीन्स इफ वी इन्वर्ट द लेंस, देर इज नो डिफरेंस इन इट्स फोकल लेंथ. दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द फोकल लेंथ विल ऑलवेज बिकम सेम. अभी तो हमने इंफिनिटी किया, अगर आप इंफिनिटी की जगह दूसरा आर ले लेते,
आर वन और आर टू दोनों ही वैसे ले लेते तब भी बिकॉज ऑफ देयर साइन दिस एक्सप्रेशन विल कम सेम। ठीक है, आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसके लिए वन अपॉन एफ की वैल्यू निकालिए और उसके बाद इसको ऐसा रखिए। अब इसका आर वन आर टू दोनों इंसिडेंट रे और यहां पर ये क्या है इंसिडेंट रे आई आई, ये आर वन आर टू आई आई एंड दिस इज आर वन आर टू, दोनों की वैल्यू रखिए एफ बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर वेदर वी इन्वर्ट द लेंस, देयर इज नो चेंज ऑन द फोकल लेंथ। एक बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है तो जिस जगह पर कन्वर्ज होना है वो पॉइंट चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स इमेज की पोजिशन भी कभी चेंज नहीं होती बाय इन्वर्टिंग द लेंस। ओके, ये इसके बारे में हो गया। तो यहां पर ये जाकर ये इस जगह पर मिलती है, दिस इज एफ, तो इसमें क्या होगा, तो आंसर है इसमें भी यहीं पर आकर मिलेंगी और ये डिस्टेंस कितना होगा सेम एफ जितना ये उतना ही, तो लेंस को ऐसा करेंगे देयर इज नो डिफरेंस। सो दिस इज इन्वर्टिंग द लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी हो। अब इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस ये कैसे होती है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लाइट रेज, उसका एक ही प्रिंसिपल है एंड दैट प्रिंसिपल इज वेयर एवर अवर आई परसीव दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट इज टेकन एज इमेज। तो हमको जो आईज में रेज आ रही होती हैं उसमें से मिनिमम दो रेज की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, वी शुड नो द डायरेक्शन ऑफ टू रेज एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू डायरेक्शन वी परसीव दैट ऑब्जेक्ट इज लाइंग देयर, दैट इज नोन एज इमेज। ठीक है, सो इमेज फॉर्मेशन ऑफ द लेंस, अब उसको देखते हैं।